हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभी पीडिया मावड अभिमन्यु अभिमन्यू आई एस दिस इज रमीज फैकल्टी अभिमन्यू आयस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एमसीक्यूज सम सी एमसीक्यूज ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर आज एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे कोर्सेज के लिंक हमारे टेस्ट सीरीज के लिंक हमारी ए एफ जो सीरीज चल रही है ये फ्री सीरीज़ जो चल रही है इसके लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं किसी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग या हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग वो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डिली है वहाँ पर जाएँ और आप हमारे पेज पर या हमारे पोर्टल पर पहुँच जाएंगे वहाँ पर आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमें फॉलो करने के लिए आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल हमारा अबी पी डी आई के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको बहुत सारे रिलिवेंट कंटेंट्स या इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ सेशन प्लीज डू नॉट एंड शेयर करें से ज्यादा लोग उठा पाए तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वट वॉज अर वर्द्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858, 1858 के अंदर क्वीन विक्टोरिया की जो प्रोक्लेमेशन थी जैसे कि आपको पता है कि रिवोल्ट ऑफ़ 1857 के बाद से द कंपनी राज एंडेड एंड द क्राउन, द एडमिनिस्ट्रेशन और द रूल ऑफ द ब्रिटिश वॉज टेकन फ्रॉम ईस्ट इंडिया टू दिन टू देंड ऑफ क्राउन ठीक है तो क्या प्रोक्लेमेशन था क्वीन विक्टोरिया का एटीन में To disclaim an intention to annex Indian states, to place the Indian administration under the British Crown to regulate East India Company's trade with India. Select the correct answer using the code given below. One and two only, two only, one and three only, yeah, one, two, and three. Teen statements that read these statements very carefully and then answer. Okay? One and two only, two only, one and three only, one, two, and three. To disclaim an intention to annex the Indian states, to place the Indian administration under the British Crown. To regulate East India Company trade with India. Select the correct answer using the codes given below. Read the statements carefully. <coughs> इसके बाद हमारी जो भी सीरीज चलेगी हम कुछ सेशंस हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर ही चलेंगे जैसे आईएनसी के ऊपर इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ आईएनसी उसके ऊपर हमने एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पे कर चुके हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर हम दो तीन क्लासेस या दो तीन हमारे सेशन चलेंगी जहाँ पर हम फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले जो भी मेजर डेवलपमेंट हुई थी के उपर, जहां से क्वेश्चन टू अनेक्स इंडियन स्टेट ये क्वीन विक्टोरियान उन्होंने दी तो उन्होंने क्लियरली ये इंटेंशन बताया अपना कि देखिए हमारा इंटेंशन अब ऐसा नहीं है कि हमें अब टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है या कोई भी इंडियन स्टेट्स है या प्रिंसली स्टेट है या कोई भी स्टेट है हम उसे अनेक्ट करना चाहते हैं जो कि पहले वो कर रहे थे सब्सिडियरी अलाइंस के तहत कर रहे थे डॉक्टर ऑफ लैब्स के तहत कर रहे थे ठीक है वैलज लीग और फिर आपका डलोजी तो उस टाइम की जो उनकी पॉलिसी थी वो एक्सपेंसन इस पॉलिसी थी तो अब क्वीन विक्टोरिया ने बोला नहीं है. ये जो हमारी पॉलिसी है इसे हम डिसन करते हैं अब हम इस, इसे फॉलो नहीं करेंगे हम किसी भी टेट कि, किसी भी स्टेट को अनेक्ट नहीं करेंगे तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन यस जैसे कि आपको पता था कि 1757 से लेकर 1857 तक कंपनी राज जिसे हम बोलते हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी राज चल रही थी लेकिन रिवोल्ट ऑफ एटीन के बाद एवरीथिंग केम अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द क्राउन ठीक है सब कुछ क्राउन के अंडर आ गया और वाइस जो गवर्नर जनरल थे उसे वाइस बना दिया गया इस रॉय के साथ एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट की गई जो कि अब वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे ठीक है दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया नो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म ही हो गया समझ लो ट्रेड से रिलेटेड कुछ प्रोक्लेमेशन में ट्रेड से रिलेटेड कुछ नहीं बोला गया था नथिंग रिलेटेड विद द ट्रेड कि हां ट्रेड को रेगुलेट करेगी कुछ नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ही समझ लो एक तरह से खत्म ही हो गया था वो ठीक है तो दिस स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी विद जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ इट्स मेन लीडर्स फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इन ऑपोजिशन टू नेहरू रिपोर्ट द मॉन्फोर्ड रिफॉर्म्स द होम रूल मूवमेंट या द गांधी पैक्ट ठीक है एक चीज़ आप ध्यान पे रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कि द डेकेड ऑफ फ्रॉम नाइनटीन ट्वेंटीज नाइनटीन थर्टीज वो जो डेकेड है उस डेकेट में बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं बहुत सारे एंड दैट डेकेट इज अ वाटर शेड डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सो इन दैट डेकेट जितने भी डेवलपमेंट्स हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सारी चीज़ें पढ़ना और समझना एक क्रोनोलॉजी बहुत सारी चीजें नहीं आई थी

नेहरू रिपोर्ट हाउ कम नेहरू रिपोर्ट अब नेहरू रिपोर्ट ऐसे कि नेहरू रिपोर्ट में बोला गया था डोमिनियन स्टेटस कि हमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में जो मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट तैयार किया था लेकिन कुछ ऐसे रेडिकल विंग थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ये सारे जो थे ये बोल रहे थे नहीं वी आर नो मोर सैटिस्फाइड डोमिनियन स्टेटस वी वॉन्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस दैट इज पूर्ण स्वराज अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस से नीचे कोई बात नहीं होगी बाद में फिर नेहरू और वो मान जाते हैं नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं ठीक है कि अगर इसे कंसिडर ब्रिटिश करते हैं तो फिर ठीक है अभी फिलहाल तो मान लेते हैं लेकिन अगर हमारे डिमांड्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा तो बाद में फिर हम डोम स्टेटस नहीं हमें फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और बाद में फिर यही होता है तो हेर द करेक्ट आंसर इज नेहरू रिपोर्ट लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग वर द डिमांड्स बाई मॉडरेट्स ड्यूरिंग द अर्लियर फेज ऑफ स्ट्रगल

तीन फेजेस में फर्स्ट मॉडरेट फेज मॉडरेट फेज जो 1885 से 1905 तक चलती है उसके बाद फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज है जो 1905 से समझ लीजिए 1915 तक चलती है उसके बाद फिर गांधीयन फेज है गांधीयन फेज जो कि 1947 तक चलती है तीन फेजेज में डिवाइडेड है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हैज बीन डिवाइडेड टू थ्री फेजेज ठीक है लेट्स सी व्हाट इज द आंसर आंसर इज सी आंसर इज सी दैट इज वन थ्री एंड फोर ओनली लेट्स सी द स्टेटमेंट्स सेपरेशन ऑफ जुडिश्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव यस ये हमेशा से डिमांड रहा है स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से डिमांड रहा है कि जुडिशियरी हाँ, को एग्जीक्यूटिव से अलग करिए ठीक है देन पूर्ण स्वराज नो पूर्ण स्वराज इज नॉट द करेक्ट आंसर मॉडरेट फेज में कभी भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई स्वराज की बात की गई थी एंड दैट इज डोमिनियन स्टेटस या सेल्फ गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी तो यार दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात लाहौर सेशन ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस में की गई थी ठीक है जो कि 1929 के अंदर हुआ था तो यार दिस स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट एलिमिनेट करते हैं तो तीन स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाते हैं एंड द आंसर इज वन थ्री एंड फोर ओनली डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल बैंक्स यस इट वाज ऑलवेज डिमांडेड फ्राम द बिगिनिंग ऑफ दि स्ट्रगल हमेशा से डिमांड रहा था ठीक है अबोल्यून ऑफ सॉल्टेटी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट तो ये इन करेक्ट स्टेटमेंट इज सेकंड सेकेंड को अगर तो बच जाता है सी वन थ्री एंड फोर ओनली लेट मूव टूअर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर

तो किसके अंदर बात की गई थी साइमन कमीशन शिमला कॉन्फ्रेंस क्रिस्ट प्रपोजल या कैबिनेट मिशन रीड दिस स्टेटमेंट वेरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ठीक है 1920s 30s 1940s 1947, ये जो है पीरियड इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट वेरी मच इंपॉर्टेंट किस तरह से ब्रिटिश की इंडिपेंडेंस डिमांड ऑफ द इंडिपेंडेंस हाउ टू हाउ टू चेस्टाइज दिस डिमांड किस तरह से इस डिमांड को या इस प्रोसेस को इंडिपेंडेंस के प्रोसेस को किस तरह से कॉम्प्लिकेट किया जाए या किस तरह से कॉम्प्लिकेट किया है उन्होंने एट दैट पॉइंट एन टाइम यह जानना यह समझना बहुत ही जरूरी है कि बार बार कुछ कभी क्रिस मिशन कभी शिमला कॉन्फ्रेंस कभी, कभी कुछ कभी कुछ ठीक है ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कि किस तरह से उन लोगों ने कॉम्प्लिकेट किया है इंडिपेंडेंस के प्रोसीजर को दिस डेवलपमेंट दीज डेवलपमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट

ब्रिटिश को बहुत ही बुरी तरह से या अलाइड फोर्सेस जो भी थे उनको बुरी तरह से हरा चुके थे वहां पे, और यूएस रशिया ये जो ब्रिटिश के अलाइड फोर्सेस में थे ये ब्रिटिश को डिमांड कर रहे थे कि प्लीज आप इंडिया के साथ उनकी डिमांड को फुलफिल करें और उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था एंड क्रिप्स मिशन वॉज अ होक्स एक तरह का होक्स था ये ठीक है ऐसा कुछ नहीं था कि वो डोमिनियन स्टेटस भी देना चाहते थे ऐसा भी कुछ नहीं था इट वॉज अ होक्स होक्स किस तरह से वो बोले थे कि वाइसराज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी पोर्टफोलियोज हैं वाइसराज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर वो सब को इंडियंस को दे दी जाएगी ठीक है लेकिन यहाँ पे भी और कॉम्प्लिकेट किया गया प्रोसेस को वो चाहते नहीं थे विंस्टन चर्चिल उस टाइम वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के ब्रिटेन के अंदर तो इट वॉज जस्ट अ होक्स दे वॉन्टेड टू प्ले अ होक्स और ये एक प्रपोजल दिया था कि एक्जीकूटिव वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे इंडियन लीडर्स होंगे जो पोर्टफोलियो जो भी पोर्टफोलियो सारे इंडियन लीडर्स को दे दी जाएगी ठीक है तो मैंने फिर से आपको बता रहा हूं प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर रहे थे किस तरह से कॉम्प्लिकेट किया जाए फॉर द टाइमिंग तो यार द करेक्ट आंसर इज क्रिप्स प्रपोजल लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव Which one of the following was a reason for the failure of talks held at Simla Conference in 1945? The Congress boycotted it, the Viceroy was indifferent to demands of Congress. The dominion status suggested by the Viceroy was not accepted to both Congress and Muslim League. Jinnah insisted that all Muslim members of the Executive Council must be nominated by Muslim League. In si, what was the reason for the failure of the Simla Conference? Wevel plan, Simla Conference, Lord Wavell. थे। उन्होंने एक प्लान बनाया वेवल प्लान जिसे हम बोलते हैं वहां पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात हो रही थी उसी प्लान को वेवल प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए जितने भी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे जितने भी पार्टीज थी कांग्रेस मुस्लिम लीग और जो भी थे प्रिंसली स्टेट्स उन सबको बुलाया गया शिमला शिमला बुलाया गया और वेवल प्लान बताया गया उनको दैट इज वाईट इज एज शिमला कॉन्फ्रेंस ठीक है तो व्हाट वाज द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ टॉक्स इन द शिमला कॉन्फ्रेंस ठीक है वेवल प्लान को को डिस्कस करने करने के लिए, करने के लिए लिए इंप्लीमेंट शिमला बुलाया गया था सारे डेलीगेट्स और शिमला के अंदर वो टॉक क्यों फेल हो गया वॉज द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द टॉक्स लेट्स आंसर आंसर इज डी आंसर इज डी दैट इज जिन्ना इंसिस्टेड दैट ऑल मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल मस्ट बी नॉमिनेटेड बाय मुस्लिम लीग वेविल प्लान के तहत बोला गया था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल काउंसिल भी होंगे वहां पर सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जितने भी जितने भी रिलीजन है पार्टी है हर एक किसी को वहां पर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम ही सिर्फ मुस्लिम को चुनेंगे लेकिन जिन्ना की ये डिमांड थी कि नहीं मुस्लिम ही मुस्लिम को चुनेंगे जो भी वहां पे जाएंगे मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ मुस्लिम होंगे और मुस्लिम ही उसे चुनेंगे, ठीक है? तो इसके लिए तैयार ही नहीं थे totally, totally तैयार ही नहीं थे ठीक है स्टबन हो गए थे क्योंकि उनको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए था वो किसी भी तरह से जितना भी प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर रहे थे डी so, Let us move towards the next question, question number 6. Consider the following statement regarding round table conferences. Gandhiji represented Congress in the first and second round table conference. Princely states were represented by their own representatives. Men of other parties and com communities and services were nominated by government to represent India. Which of the above statements are correct? 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 only, yet yeah, 2 only. In my second statements, read the statements carefully. तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हुई थी किस पे कांग्रेस ने पार्ट लिया था नहीं लिया था गांधी जी किस पे गए थे नहीं गए थे कौन कौन गए थे और क्या क्या रीजन था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कि उसका कोई आउटकम इट देर वॉज नो आउटकम ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट ऑल और फिर कम्युनल अवार्ड भाई राम से मैकडोनल्ड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिस डेवलपमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है थर्टी के अंदर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन गया था नहीं गया था कौन रिप्रेजेंटेटिव थे नहीं थे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब और सेशन सेशन को करें करें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ठीक है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे हैं उनको फायदा मिले लेट सी वट इज दर आंसर आंसर इज ए आंसर इज ए दैट इज टू एंड थ्री ओनली गांधी रिप्रेजेंटेटिव इन द फर्स्ट एंड सेकंड नो क्ट गांधी जी सेकेंड पे गए थे कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और सिर्फ एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस गई है एंड दैट इज सेकेंड फर्स्ट में भी नहीं गए थे और थर्ड में भी नहीं गए थे तो यार दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो बी आर सी एलिमिनेट हो जाता है लेट सी दि नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंसली स्टेट्सेंटेड बाई देर ओन रिप्रेजेंटेटिव ये दिस इज करेक्ट प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहीं से उनको ही जो प्रिंसेज रिप्रेजेंट कर रहे थे जिन्हें नॉमिनेट कर रहे थे वही जा रहा था मैन ऑफ अदर पार्टीज एंड कम्युनिटीज सर्विस गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट इंडिया ये स्टेटमेंट इज ऑल् करेक्ट दिस स्टेटमेंट इज ऑल् दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट इसके अलावा कांग्रेस प्रिंसली स्टेट्स मुस्लिम लीग इनके अलावा जो भी थे वो सारे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो थी वो रिप्रेजेंट करती थी और वो भेजती थी इंडिया से So this statement is also correct. So here the correct answer is A. That is two and three only. Let's move towards the next question. Question number seven. Question number seven. Which of the following provisions were provided by Cabinet Mission? Which of the following provisions were provided by Cabinet Mission? Rejection of the demand for a full-fledged Pakistan, a strong centre with weak provinces, and interim government to be formed from the constituent assembly. Select the correct code. One and two. One and three only. Two and three only. One, two and three only. सेलेक्ट द करेक्ट कोड ठीक है प्रोविजन क्या क्या थे कैबिनेट मिशन के एज आई टोल यू अर्लियर कि डेवलपमेंट फ्रॉम नाइनटीन फोर्टी टू नाइनटीन फोर्टी सेवन दोपमेंट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम द द्स एज वेल एज मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं ठीक है क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं वेरी मच इंपॉर्टेंट और यहां पे इतने सारे कंटेंट हैं और इतने सारे डेवलपमेंट है तो एक क्रोनोलॉजी बनाइए कि किसके बाद क्या किसके बाद क्या किसके बाद क्या किसके बाद क्या क्या रीजन थे क्या प्रोविजन थे ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है तभी आपको और इसे बार बार आपको रिवाइज करने पड़ेगा तो ही चीज आपके दिमाग में रहेगी देन ओनली विल बी एबल टू रिटेन कंटेंट दंटेंट वट यू आर रीडिंग यू हैव टू रिवाइज एवरी नाउ एंड देन लेट्स सी इज द आंसर आंसर इज बी आंसर इज बी दैट इज वन एंड थ्री ओनली हाउ कम वन एंड थ्री क्शन ऑफ द डिमांड फॉर अल फिलेज पाकिस्तान के अंदर यह बोला गया था कि पाकिस्तान एक यूनिफाइड इंडिया होगा पाकिस्तान की डिमांड को खारिज कर दिया गया था दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर विथ वीक प्रोविंसेज नो दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अ स्ट्रोंग प्रोविंसेज विथ वीक सेंटर ये हुआ था जो डिमांड कैबिनेट मिशन के अंदर एक प्रोविजन बनाया गया था कि प्रोविंसेस को स्ट्रांग बनाया जाएगा जो प्रोविजन थी प्रोविंसेस स्ट्रांग हो रहे थे और सेंटर वीक हो रहा था एंड दिस वाज द रीजन दैट कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्टेड कैबिनेट मिशन प्लान ठीक है यह भी एक कारण था कि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन प्लान को खारिज किया था क्योंकि प्रोविंसेस को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी मिल रही थी और उस टाइम पे ब्रिटिश कांग्रेस को वीक करने के लिए उसे कमजोर बनाने के लिए ये सारे प्रोविजंस लेके आए थे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्रोसेस को उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया है ठीक है तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इफ यू एलिमिनेट टू स्टेटमेंट टू तो बच जाता है बी दैट इज वन एंड थ्री ओनली एंड इंटरिम गवर्नमेंट टू बी फॉर्म फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जहां पे आप अपने कंस्टिट्यूशन लिखेंगे और इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगी so this statement is also correct. the correct answer is 1 and 3 only. let's move towards the next question. question number 8. consider the following statements regarding communal award. it is the term given for the allotment of separate electorate for a depressed caste by ramsey macdonald. ramsey macdonald is known as the father of communal electorate. which of the above statements are correct? 1 only, 2 only, both, or none? easy question. Eh? So read the statement carefully. देन आंसर एज आई टोल यू सी द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरट यह आपको समझना बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है यहां पर भी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चल रही थी और इसके खिलाफ गांधी जी भी थे कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी जी ठीक है उसके बाद जब वो जेल पे होते हैं यरवाड़ा जेल पुणे के अंदर फिर अंबेडकर वहाँ मिलने जाते हैं उनसे और उनके बीच में एक पैक्ट साइन होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं आप रिजर्वेशन ले लें जिसे हम बोलते हैं पूना पैक्ट साइन बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर लेट्स व्हाट इज द आंसर आंसर इज ए आंसर इज ए दैट इज वन ओनली इट इज द टर्म गिवन फॉर द अलटमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर डिप्रेस्ड कास्ट बाई दी राम सेपरेट इलेक्ट्रेट ऑलरेडी पहले मुस्लिम्स को सिख को कुछ और यूरोपियंस को दे दी गई थी अब अब इसके तहत वो हिंदूज के अंदर जो डिप्रेस कास्ट हैं शेड्यूल कास्ट हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था मतलब कि उनको भी माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया जाएगा और सेपरेट इलेक्ट्रेट में ये होता था कि जो जिस कम्युनिटी को दिया जा रहा है वो कम्युनिटी ही सिर्फ उसे चुन सकता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को दूसरा कोई नहीं ठीक है तो इसके खिलाफ गांधी जी थे तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इज नोन ए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोट नो दिस स्टेटमेंट इन करेक्ट मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट नॉट राम करेक्ट आंसर इज ए लेट्स मूव टुवर्ड्स टूवर्ड्स द्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन Question number 9, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt of HSRA, Hindustan Socialist Republican Association, threw harmless bombs in the Central Legislative Assembly to protest against Public Safety Bill and Trade Dispute Act, against exploitative character of British rule, for killing of Lala Lachwatrai, or against 1919 Act, the Government of India Act 1919, Ford Act. <coughs> Kya tha? What was the reason behind

डायरेक्टली ऑन टू अर पेज पेज पे पहुंच जाएंगे वहां से आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं परचेज करना चाहते हैं कुछ भी तो वहां से कर सकते हैं माइक्रो कोर्सेस भी अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट कि सिर्फ इकॉमी लेना है जोग्रफी लेना है पॉलिटी लेना है तो वो भी आप हमारे पोर्टल पर जाए आई डॉट अभी और वहां से जाके आप जो भी आपको परचेस करना है माइक्रो कोर्सेज के अंदर विजिट करके परचेज कर सकते हैं लेट सी वट इज दंसर आंसर इज ए आंसर इज दब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ये दो एक्ट बिल लाई गई थी जिसके तहत जिस भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जिसके खिलाफ थे और उन्होंने ब्रिटिश या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर था। इस दो एक्ट के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ठीक है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के तहत इंडियन मर्चेंट्स या इंडियन ट्रेडर्स जो थे इनको बहुत नुकसान हो रहा था और पब्लिक सेफ्टी बिल इट वॉज टोटली इट वॉज इट वॉज वेरी इलेवेंट बिल कि जहां जब मर्जी हो रहा है जिसको जो मर्जी हो रहा है उठा के जेल में डाल दो कोई फॉरनर्स कोई फॉरनर या कोई यूरोपियन अगर इंडिया के अंदर ब्रिटिश के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं कुछ लिख रहे हैं उनको भी उठा के हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया जाता था तो अगेंस्ट दिस टू बिल पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट Let us move towards the final question of the day. That is question number 10. The Elbert Bill controversy is said to be a high watermark in the history of Indian national movement. This is because it invoked issues of racial discrimination between India and Europeans, security lapses on the Indian borders, especially the northwest frontier, suppression of Indian media house, houses and their nationalization by the government. Which of the statement given above is or are correct? One only, one and two only, two and three only, one and three only. ठीक है द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द सेशन सेशन को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें हमारे चैनल जो अभी पीडिया स्टेट है इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना ना भूलें आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अबीपीडिया आई ए के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं वहां से भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी और बहुत कंटेंट आप वहां से भी मिल जाएगा आपको सो लेट्स सी वट इज द आंसर दिस इज मोर लेस एन ईजी क्वेश्चन क्वेश्चन दैट इज आंसर इज ए दैट इज वन ओनली racial discrimination between Indian and Europeans. ठीक है एलबर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी जजेस को इंडियन और यूरोपियन जजेस को लेके एक बिल थी जिसके खिलाफ यूरोपियंस थे वो वो बिल द प्रोविजन ऑफ द बिल वॉज दैट कि द इंडियन जजेस विल ऑल्सो ट्राई द केसेज ऑफ द यूरोपियंस बट दिस वॉट टोटली कन्फ्रंटेड बाई द यूरोपियंस टोटली फुल नहीं वी आर रिस्किल सुपीरियर हाउ कम देर आर केसेस ऐसा नहीं हो सकता ठीक है लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे हुआ है ये दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट सिक्योरिटी लैप इज नो दीज आर इन करेक्ट ये कोई रीजन इलबर्ट वेल कॉन्ट्रवर्सी वॉज रिलेटेड टू इंडियन एंड यूरोपियन जजेस दैट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन होप सो कि आपको कुछ सीखने को मिला है कुछ जानने को मिला है कुछ हेल्प हुआ है आज प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द सेशन सेशन को लाइक like करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और हमारे कोर्सेज के लिंक हमारे टेस्ट सीरीज के लिंक हमारी एफ पी सी है जो सीरीज है इसके लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डली हुई है ठीक है किसी किसी को भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना है या कुछ कोर्स परचेस करना है या कोई माइक्रो कोर्स परचेज करना है आप आराम से कर सकते हैं सारे सबके लिंक डिस्क्रिप्शन पे डली हुई है ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे होप सो कि यू गॉट टू लर्न सम न्यू थिंग्स टुडे So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.